खबर सरदार शहर से। तोलियों की मस्जिद के पास रविवार शाम को ज्वेलरी की दुकान पर हुई लाखों की लूट मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लूट का माल व वारदात के दौरान उपयोग ली गई बाइक व पिस्तौलें बरामद की है। पुलिस अधीक्षक दिंगत आनंद ने सोमवार दोपहर बाद मामले का पूरा खुलासा करते हुए बताया कि रविवार शाम को तीन अज्ञात रकापोश बदमाश बाइक पर सवार होकर आए और तेलियों की मस्जिद के पास किसान ज्वेलर्स पर पिस्तौल की नोक पर लाखों रुपए की ज्वेलरी लूटकर फरार हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस थाने में दी। थानाधिकारी बलराज सिंह मान तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और टीम का गठन कर आरोपियों को पकड़ने के लिए जुट गए। मेगा हाईवे रतनगढ़ रोड पर हेड कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार स्वामी, कांस्टेबल विनोद कुमार चौधरी, सुभाष मीणा, काशीराम सैनी, सत्यप्रकाश जैसे ही घटना में संगीत तीनों व्यक्ति बाइक पर सवार दिखाई दिए तो उनका पीछा शुरू किया। मालास्तर टोल नाके से आगे तीन बदमाशों बाइक को छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर एक गौशाला में कूद गए और वहां से आगे होते हुए खेतों में भाग निकले। खेतों में फसलों को पशुओं से बचाने के लिए झटका करंट के तार भी लगाए गए थे। इस दौरान पुलिसकर्मियों को करंट के झटके भी लगे, लेकिन चारों ही पुलिसकर्मियों ने बहादुरी दिखाते हुए आरोपियों का पीछा नहीं छोड़ा और सीकर जिले के फतेहपुर तहसील के सनीफ पुत्र आमिर खान को कायम खान उमरतीस को दबोच लिया। इस दौरान आरोपी सनीफ ने पुलिसकर्मियों पर फायर करने की भी कोशिश की और हवाई फायर कर डराने का प्रयास किया, लेकिन पुलिसकर्मियों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर बहादुरी का परिचय देते हुए आरोपी को दबोचा और इसकी सूचना थानाधिकारी बलराज सिंह मान को दी। मौके पर डीएसपी नरेंद्र शर्मा और थानाधिकारी बलराज सिंह मान पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। वारदात में शामिल अन्य दो आरोपी लक्ष्मणगढ़ के कशवाली निवासी राजेश चाट उम्र 25 व डिडवाना निवासी रामस्वरूप अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गए, जिनकी तलाशी के लिए आसपास के क्षेत्र के सभी पुलिस थानों की टीम ने रात्रि में काफी कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ऐसे बहादुर जवानों की पुलिस विभाग को जरूरत है। गश्ती टीम में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। और मैं जड़ाई का काम कर रहा था और ताकि वहाँ पर दो पहले तो एक जन आया बाहर से आके और बंदूक रिलोड करी और आए बंदूक रिलोड करी और मेरे सारे मन कहो का चुपचाप बैठे रही, आवाज ना करी। जब मैं देखो भाई आपने कोई शिंदा होला मजाक करता होला, मैं बन के मेरे भाई थे हो कौन है मन आ बताओ ते हो कौन, मैं समझाने को नहीं जहाँ इतन बस वो एक जन हो रहा है बारू में आके वो सीधा जिद्दी हो ना मैं बैठा के सामान काटने लग गया। जना मैं थोड़ा जोर बोलियो अरे मैं कहते हो कौन या क्या करो ना मेरे सारे फायरिंग करी वो क्या चुपचाप बैठे रही, अगर तन जान प्यारी है तो चुपचाप बैठे रही। जना मैं भी की बोलियो को जब मैं सामने भी मैं दुकान में पड़ोसी है मैं सामने भी इशारो करियो तब बेबान बुलायो बुलायो जना बांगन बेबी आया आया जना बांगन भी बारे जाके वो बंदूक मतलब तान दी कहे कोई शौकन ना आया नहीं गोली मार दूंगा। अच्छा अब कायदा बैठवाई कितने लोग थे नकाब पहन रखा था? हाँ वो क्या रुमाल बांध रखी थी उन्होंने। कितने लोग थे? तीन जने थे तीनों ने रुमाल बांध बाइक से आ गए थे। और आपने पुलिस को सूचना कब दी? वो सर जस्ट 5 सेकंड 5 पुलिस का क्या रिस्पॉन्स रहा? कब आई पुलिस का? वो अभी जस्ट आ गई थी पुलिस के भी जस्ट आ गई थी और वो फोन वगैरह करके वो पुलिस की गाड़ी भी पीछे लगा दी। आपका नाम? मेरा शाम एक सुनार की दुकान है जो बाजार में, उसमें एक लूट की वारदात हुई थी जिसमें तरीका वारदात इस तरह से था कि तीन लुटेरे एक पल्सर मोटरसाइकिल पर आए थे दुकान पर और उन्होंने बंदूक की नोक पर सुनार का जो व्यवसायी था उसको डरा धमका के कुछ आभूषण लेके और भाग गए थे। तत्काल उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जो इंस्पेक्टर हैं जो सरदार शहर इंचार्ज हैं उनको सूचना दी, जिस पर पुलिस एक्टिवेट हुई। गश्त में ऑलरेडी जो पुलिस रतनगढ़ की तरफ थी उन्होंने बहुत सूझबूझ दिखाते हुए तेज़ गति से इनका पीछा किया, जिस पे इनमें से एक अपराधी ने पुलिस पर भी फायर करने का प्रयास किया और मौलासर टोल के आगे जाकर दौरान गश्त इसमें जो हमारी गश्त पार्टी थी उसने अदम्य साहस दिखाते हुए इनमें से एक को दस्तयाब करने में सफलता हासिल हुई है, जिसके कब्जे से एक अवैध हथियार जो इस वारदात में प्रयोग किया गया था वो भी बरामद हुआ है। इसी के साथ इसमें एक जो बोनस सफलता जिसको हम कह सकते हैं वो ये भी है कि परसों इस सेम जो गैंग है ये अपराधी और इसके साथ अन्य जो दो अपराधी हैं जिनको इसके द्वारा नामजद कर लिया गया है उन्होंने ही एक बड़ी लूट की घटना सुनार की दुकान में फतेहपुर में भी अंजाम दी थी, जो कि कालांतर में अब इनसे पूछताछ के दौरान खुल जाएगी।
जो माल मसरूका है दोनों ही घटनाओं का वो बरामद करने के पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों घटनाओं के माल बरामद भी हो जाएंगे। सर आपको कहाँ इनको पकड़ा, क्या कुछ रहा है? जो सड़क पे इनका पीछा किया जा रहा था, टोल क्रॉस किया, उसके बाद क्योंकि ये लगातार पुलिस पे हमला करने की फिराक में थे तो फिर ये रोड से ऑफ रोड हो गए, कच्चे रास्तों में अंधेरा होने के कारण विलुप्त हो गए और हमारी जो गश्त पार्टी है उसने उतर के पैदल पीछा करके और कच्चे रास्तों में खेतों में इनको दस्तयाब किया। सर दो आरोपी और बच्चे वो कब तक गिरफ्तार हो जाएंगे? दो आरोपी अंधेरे का फायदा उठा करके वहीं कहीं छुपे रहे, रात भर कॉम्बिंग ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन सरदार शहर और आसपास के पुलिस थानों से रतनगढ़ भानीपुरा सभी के द्वारा कम्बाइंड एक कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया जिसमें अभी तक सफलता नहीं मिली है, पर अहम जो सुराग हैं वो इसकी पूछताछ में बाकी दो के बारे में सामने आए हैं जिनसे जल्दी गिरफ्तारी की पूरी उम्मीद है। सर सरदार सर के दो कांस्टेबल सुरेंद्र और विनोद, इन्होंने काफी अहम भूमिका निभाई, जान पे खेल कर पकड़ा, सम्मान होगा? बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया इनको यथासंभव रिवार्ड भी दिया जाएगा और पुलिस के लिए बहुत गर्व की बात है कि ऐसे मुलाजमान हमारे बेड़े में शामिल हैं जो अपनी जान की बाजी लगा करके भी ऐसे कुख्यात अपराधियों को पकड़ते हैं। जो अभी जो अपराधी पकड़ में आया ये एक आदतन लुटेरा है, इसके खुद के बताए हुए अन्य प्रकरण क्रिमिनल रिकॉर्ड भी निकल